तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को करते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि एक पार्टिकल थ्रोन एट एंगल 30 डिग्री हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल से ये वह एंगल हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर हमने किसी पार्टिकल को थ्रो कर दिया, ये जो वेलोसिटी है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंक दिया इसको। 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी निकालना। चलो 1 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ हमको नहीं पता है, चलो मान लेते हैं दिस इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बाद अगर पार्टिकल यहाँ है तो पॉइंट पी है और ये एक्स कॉमा वाई है, ठीक ना। तो इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर उसके पास हमें सबको पता है कि कितनी वेलोसिटी होगी। अगर टी टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी देखोगे बच्चों, तो टी टाइम बाद पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी होता है। कौन कौन होता है बताओ, एक एक्स में होगा एक वाई में होगा। तो पी पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसके पास एक वेलोसिटी होगी वी एक्स जो कि यू एक्स के बराबर होती, जो कभी चेंज ही नहीं होती, और इस पॉइंट पर एक वाई में होगा जो वी वाई होगा। आप ये पॉइंट कहीं भी मान सकते हो। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पैराबोलिक पे ऐसे टेंजेंशियल आएगा, इसकी कैलकुलेशन पूछा जा रहा है। हमें चाहिए भी, तो भी वाई का स्क्वायर प्लस भी एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज द नेट वेलोसिटी। तो ये जो 1 सेकेंड बाद ये वाली जो एक्स वाली होती है वो तो कांस्टेंट होती है, 1 सेकेंड 10 सेकेंड बाद वो तो हमेशा सेम रहेगी हर पॉइंट पे। तो अब ये जो वेलोसिटी थी इसका हॉरिजेंटल वाला कॉम्पोनेंट दैट इज 30, यहाँ से 30 cos 30, तो 30 cos 30 कितना आएगा, तो 30 cos 30 sin 60 √3/2 दैट इज 15 √3 m/s². ये तो कभी चेंज नहीं होगी, दैट इज द वी एक्स और दैट इज द यू एक्स। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में इस वाले टाइप के प्रोजेक्टाइल में कभी चेंज नहीं होती है। वाई वाली की क्या वेलोसिटी है, जो वाई में जा रही है वाली वेलोसिटी दैट इज वी वाई सॉरी यू वाई। तो यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 30 sin 30। यहाँ से तो जो यहाँ से तुम देखोगे जो यू यू वाई आ जाएगा वो आ जाएगा 30 sin 30। तो 30 sin 30 कितना आ जाएगा, तो 30 × 1/2 मतलब ये आ जाएगा 15 m/s। लेकिन मैं फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर भी वाई चाहिए, ये वाला चाहिए। तो इस वाले के कैलकुलेशन के लिए भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देता हूँ किधर, वाई एक्सिस में। तो अगर मैं वाई एक्सिस में डेटा रखूँ तो फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कितना है वाई में, ये है 15। एक्सलेशन जी ले लेता हूँ टाइम 1 सेकेंड बाद, मतलब ये आ जाएगा 5 m/s, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। और फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस कितना है, 15 √3 m/s, जो कि कभी चेंज ही नहीं हुआ। तो अब हमें 1 सेकेंड बाद जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 15 √3 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो अंडर रूट, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो कितना मिलेगा यार, इधर मिला 25, इधर मिला 225 × 3, ठीक है। तो 225 और 675, 675 मतलब 700 अंडर रूट, तो 700 अंडर रूट दैट इज 7 अंडर रूट और 10, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ए ऑप्शन अपना सही कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।